आज मैं आपको अपने वीडियो में एक वी लुकअप के बारे में आपको बताऊंगा कि इसको अपने एक्सेल में अपने कभी भी आप डेटा का यूज़ कर रहे हों तो उसको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए अभी आपको मैं ले चलता हूँ एक्सेल वर्कशीट पे। ये एक्सेल वर्कशीट है, इसको मैंने पहले प्रिपेयर कर रखा है। देखो, आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या किसी सर्विस कंपनी में या कहीं भी आप बड़ी एमएनसी में जहाँ भी आप काम करते हो, वहाँ पे एक बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर एक डेटा आपके पास आता है। ये सामने जो मैंने दिखा रखा है ये 20 तक है, बट आप इसको अज्यूम कर सकते हो ये हज़ारों में, 2000, 5000, 10000 हो सकता है या 1 लाख भी हो सकता है। तो वो उस बड़े डेटा के साथ आपको वी लुकअप जो है कैसे लगाना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, लेट से आप किसी एक कंपनी में जहाँ भी आप काम करते हो तो उसमें इस तरह की आइटम्स रहती हैं। जैसे ये मेरा आइटम है, लेट से आप इनको फील्ड में सप्लाई करते हो। जैसे ये होम कमोडिटीज़ की मैंने कुछ आइटम लिखी हुई हैं, एप्पल, ऑरेंज, लैपटॉप, टीवी, फ्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ मैंने ये लिस्ट कंपाइल करी हुई है अप टू 20 तक। आप इसको, हो सकता है आप जिस भी कंपनी में आप काम करते हो वो एक बहुत ही इस तरह का डेटा बहुत बड़े स्केल पे हो सकता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड हो सकता है, थ्रू आउट द इंडिया हो सकता है या थ्रू आउट द एशिया हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो लेट्स से ये इस तरह का आइटम आपके पास डेटा में है, उसके बाद इस पर्टिकुलर आइटम का देर इज़ ए 1 आइटम कोड। तो ये मैंने इस तरह से पहले से ही आपको दिखा रखा है कि ये पर्टिकुलर जो आइटम है उसका आइटम कोड क्या है। अब ये डेटा, ये पर्टिकुलर आइटम कहाँ कहाँ से आ रही है, तो इस तरह का डेटा आपके पास हो सकता है कि इसका पर्टिकुलर एरिया का कोड क्या है। तो ये कोड मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे, और चौथा डेटा मैंने दिखा रखा है कॉस्ट। तो इस पर्टिकुलर आइटम का कॉस्ट क्या है। तो इस तरह का जो डेटा है आपके पास जो है आपके ऑफिस में हो सकता है, ये एक जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। ये डेटा कई तरीके से आपके पास हो सकता है। अब लेट्स सी, आपके पास कोई एक कंपनी है जिसने कंपनी में ये वाला डेटा जो है मेंटेन कर रखा है। अब हमारे पास किसी रीजन से या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, जो कि हो सकता है फील्ड में काम कर रहा हो या कहीं दूसरी जगह से, हमारे पास एक डेटा आता है, उसमें कुछ डेटा इस तरह से रहता है। पहले मैंने यहाँ पर आपको 4 आइटम्स दिखाई, अभी इसमें जो है 3 ही आइटम हैं। एक तो आप दिखा सकते हो कि जिसमें आइटम का नाम है वो है, एक हमारे पास जो है उस आइटम का कोड अवेलेबल है, और दूसरा हमारे पास उसका एरिया अवेलेबल है। अब इसमें एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, वो है कॉस्ट। कॉस्ट है वो आपके पास पहले वाली वर्कशीट में दी हुई है और दूसरे वाली वर्कशीट में नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें वी लुकअप लगा के ही ये चीज़, लेट्स से हमें इसे सेकंड वाली जो वर्कशीट है इस पे हमें काम करना है, ये डेटा जो है हमें आगे देना है, तो इसमें हमें वी लुकअप लगाना है। मुझे इस पर्टिकुलर, लेट्स से ये मेरे पास कोई भी एक चीज़ जो है वो कॉमन होनी चाहिए, जैसे कि एरिया कोड है या आइटम कोड है या कोई भी एक भी चीज़ अगर मेरे पास है, तो दूसरी सीट में मेरे पास किसी भी तरह का डेटा जो है वो मैं वी लुकअप के थ्रू ले सकता हूँ। तो चलिए अभी मेरे पास, मैं लेट्स से मेरे पास मुझे एरिया कोड से, एरिया कोड के थ्रू मुझे इसका आगे कॉस्ट लेना है। मैं आइटम कोड से भी ले सकता हूँ और आइटम के नाम से भी ले सकता हूँ, बट चलिए अभी मैं आपको एरिया कोड के हिसाब से बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये कॉलम है इस कॉलम के सामने आपको इक्वल टू दबाना है, और ये देखिए यहाँ पे वी लुकअप आ गया। अगर वी लुकअप यहाँ नहीं आता तो आपको सिंपल एक वी लुकअप लिख लेना है, वैसे ये आ जाता है नॉर्मली। तो आपको इस एरो के ऊपर ये देखिए वी लुकअप यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक एरे आ जाएगा। तो इसमें ये पहला जो ये रो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है लुकअप। तो पर्टिकुलरली लुकअप मतलब आपको क्या देखना है, उस कहाँ जो जो डेटा हमारे पास कॉमन होता है, जो पहली सीट में भी हो और दूसरी सीट में भी हो, उस चीज़ को हम लुकअप कहते हैं। तो लेट्स से मेरे पास लुकअप जो है वो एरिया कोड है, मुझे ये चीज़ के अगेंस्ट में कॉस्ट देखना है। इसको फिल कर देंगे
करके देखिए, इसमें ये आ गया है। अभी मेरे पास मुझे ये देखना कहाँ से है, टेबल एरे, और मुझे ये कहाँ से ये डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करके मुझे सेकंड शीट पे जाना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे चार आइटम्स मेरे पास अवेलेबल थे, वहाँ पे मुझे वहीं से कॉलम सेलेक्ट करना है जहाँ से, जो कि कॉलम दोनों में कॉमन है। तो मेरे पास एरिया कोड वहाँ पे मैंने कॉमन देखा था, इसके आगे की तरफ ऐसे नीचे और इसके आगे, ये दो चीज़ें को मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ से ये सिलेक्ट नहीं कर सकता आइटम कोड से, मैं यहाँ से नहीं, मुझे पहला जो काउंट करवाना है वो यहीं से काउंट करवाना है एरिया कोड से, जो कि दोनों में कॉमन है। अगर आइटम कोड होता तो मैं आइटम कोड से करवा देता, अगर आइटम होता तो मैं आइटम से करवा देता, बट अभी मैंने सेलेक्ट किया है एरिया कोड। तो एरिया कोड के आगे भले ही ये 3-4-5 कॉलम कितना भी हो, वो वहाँ तक मुझे ले लेना है। ठीक है, अभी मेरे पास ये दो कॉलम है, फर्स्ट इज़ जो मेरे पास कॉमन आइटम है, और दूसरा जो मुझे उसमें देखना है, ये एक छोटा डेटा मैंने अभी दिखाया है, ये बड़ा डेटा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल कॉलम डाल देना है कि इसको देखना क्या है। जो दूसरी सीट में तो दूसरा कॉलम था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो मुझे यहाँ पे सेकंड कॉलम, सिंपल सेकंड कॉलम लिख देना है ऐसे। अगर ये तीसरा है तो तीसरा लिख देना है, चौथा है तो चौथा लिख देना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लॉजिक लगाना है, जो मुझे लॉजिक का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, या मेरे पास थोड़ा सा जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो चल जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जीरो लिख देना है, हमें ट्रू वैल्यू ही चाहिए। और ये फिल करने के बाद हमें क्लिक कर देना है। ये देखिए, अभी मेरा यहाँ पे वी लुकअप जो है लग चुका है। यहाँ पे जैसे आप ये कॉर्नर को देख रहे हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसके ऊपर ऐसे प्लस का साइन बनता है, इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए ऐसे, देखिए। तो ये आपका वी लुकअप इसमें लग चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्पल का कोड है इसका 5000 है। तो दूसरी सीट में भी इसका 5000 है, 5000 रुपये कॉस्ट है। देखिए, ये तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया है, हो सकता है आपके पास एक रैंडम डेटा आए जिसमें ये एप्पल जो है सीरियल वाइज ना हो, ये एक मिक्स डेटा हो आपके पास, तो उस केस में भी ये सही बताएगा, इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने मुझे आई थिंक आपने जो है वी लुकअप जो है मेरे वीडियो से सीख लिया है, और मुझे ये लगता है आपको ये एक्सेल में जब भी आप लास्ट डेटा के साथ काम कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे ये सहायता करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे अगले एडिशन के लिए। उसमें मैं आपको कुछ और फार्मूलाज एक्सेल में कैसे काम करना है उनके बारे में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।